सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। ये भी एक अजीब लोग सुन अजीब चीजें लोग सुन करके रखते हैं। अब पता नहीं कहां से सुनते हैं और ये फतवा कहां से चलता है, उसका सुराग नहीं लगता कि इसको दिया किसने। अब बरसों से चल रहा है वही फतवा, बचपने से सुनते थे अब भी सुन रहे हैं और पता नहीं कब तक सुनना पड़ेगा कि मुरीद होने के बाद बहुत पाबंद बन के रहना पड़ता है, दाढ़ी रखना पड़ती है, नमाज पढ़ना पड़ता है, मुरीद होने के बाद सही बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, झूठ से बचना पड़ता है। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, पीर बड़ा है कि नबी बड़े हैं? तू सोचता है कि पीर से मुरीद हो जाऊं तो सच बोलना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा? अरे पीर क्या, बहुत बड़ा है पीर, पीर की अजमतें अपनी जगह, लेकिन जब तूने नबी का कलमा पढ़ा और तू नबी से मुरीद हुआ, मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद किसे कहते हैं? जो किसी मुराद का हो। हमारी मुराद से नबी से बढ़कर हमारी मुराद है। अरे सब मुराद हैं, वो जाने मुराद है। मेरे इमाम ने तो यही कहा कि अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने 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 तजल्ला कहूं तुझे, और कहते हैं जाने मुराद काने तमन्ना कहूं तुझे, और एक मकाम पर कहते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर। जाने सब मुराद है और हुजूर जाने मुराद है, तो जिस जिस की हुजूर मुराद है वो हुजूर का मुरीद है। मुफ्ती साहब ये तो बात है, जो हुजूर की जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है, जो हुजूर को अपनी मुराद मानता है वो हुजूर का मुरीद है। खुदा की कसम हुजूर का मुरीद कब से हुआ तू? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, हुजूर का मुरीद हो गया। अब हुजूर का मुरीद हुआ तो उस वक्त तुझे गैरत नहीं आई कि दाढ़ी रखना चूंकि हुजूर का मुरीद है, सच बोलना हुजूर का मुरीद है, टोपी पहनना हुजूर का मुरीद है, और फिर खुदा की कसम हुजूर से बढ़कर पीर कौन होगा? हुजूर तो ऐसी मुराद है खुदा की कसम कि हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, हुजूर सिर्फ बंदों की मुराद नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खालिक भी वहां जब वो तालिब नजर आता है, खालिक भी वहां तालिब नजर आता है, इसीलिए तो वो मतलूब है। खालिक की रहमतें वहां मुंतजर नजर आती है, इसीलिए तो वो मुंतजर है। इकबाल ने इसीलिए तो कहा, डॉक्टर साहब इसीलिए तो कहते हैं, अब्द दीगर अब्दुहु चीजें दीगर, ई सरापा मुंतजिर वो मुंतजर। वो कैसी मुराद है? वो जाने मुराद है, वो अर्श की मुराद, वो सिदरा की मुराद, वो जिब्रील की मुराद, वो जन्नत की मुराद, हुजूर मुराद है। और हुजूर मुराद है अपने उम्मतियों की, तो सारी उम्मत हुजूर की मुरीद है। तो फिर पीर के मुरीद क्यों होते हैं? पीर के मुरीद इसलिए होते हैं कि हुजूर से जो वादा किया है उस वादे की तजदीद पीर के हाथ पे करते हैं, तजदीद वफा करते हैं, इसीलिए पीर को भी मुर्शिद कहते हैं और मुराद कहते हैं। वो हुजूर से किए गए वादे की तजदीद कराता है। वो और कुछ कहता है, देखे थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौबा की मैंने अपने सारे गुनाहों से, आज के बाद हर फर्ज वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। ये क्या है? ये तो पहले तुम कह चुके हो ना, आमंतु बिल्लाहि व रसूल, कह चुके हो ना, ये बात नहीं गई, ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल पे, इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हो गया। उसके बाद फिर आपने कहा इताअत की अल्लाह की, उसके रसूल की, वही तजदीद वो करवा रहा है कि फराइज वाजिबात सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा, गुनाहों से बचता रहूंगा। और फिर मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, गौसे पाक का नाम इसलिए ले लिया जाता है कि मकबूल है उस बारगाह के, वरना गौसे पाक का हाथ है उनके मुर्शिद अबू सईद मखजूमी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत बुलफराह तरतुसी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद शेख अब्दुल वाहिद तमीमी के हाथ में,
उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत अबू बकर शिबली के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी के हाथ में, उनका हाथ है उनके मुर्शिद हजरत सिर्री सख्ती के हाथ में, सिर्री सख्ती का हाथ है उनके मुर्शिद हजरत सैयदना मारूफ करखी के हाथ में, हजरत मारूफ करखी का हाथ है हजरत हबीब अजमी के हाथ में, और बल्कि मारूफ करखी और हबीब अजमी का हाथ है हजरत इमाम अली रजा के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत इमाम मूसा काजिम के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत इमाम जाफर सादिक के हाथ में, उनका हाथ है हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत सैयदना इमाम अर्श मकाम इमाम हुमाम हजरत इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन के हाथ में, उनका हाथ है उनके वालिद हजरत मौला अली इमाम अली के हाथ में, और उनका हाथ है हजरत सैयदुल अंबिया कादर मुर्सलीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में। उनका नाम लेकर गोया कि हम ये कहते हैं कि अब उनके हाथ में दे दिया तो वहां तक वो पहुंचा देंगे, लेकिन बात तो इतनी है कि तजदीद वफा करते हैं। बाकी मुरीद तो उन्हीं से होना है, मुरीद तो उन्हीं से होना है, पूरी कायनात जिनकी मुरीद है और वो सारी कायनात की मुराद है। पीर तजदीद वफा करता है, वफा की तजदीद का दर्स देता है पीर, बस पीर का काम इतना है। ये बात दिमाग से निकाल दो, हम मुरीद इसलिए नहीं होते कि सच बोलना पड़ेगा, दाढ़ी रखना पड़ेगा, नमाज पढ़ना। नहीं भी मुरीद होंगे तो आपको ये सब करना है क्योंकि आप मुसलमान है। उदखुलु फिस्सिल्म काफ़, हत्ता कि अगर ऊंटनी का दूध भी ना पसंद किया चूंकि महबूब को पी लिया है तो अब तेरी मर्जी उस पर भी नहीं चल रही। महबूब ने जिस चीज को पी लिया तो उसको नापसंद नहीं कर सकता, अगरचे वो ऊंटनी का दूध हो। अब तेरी तबीयत नहीं चलेगी, अभी अपनी तबीयत चलेगी। और जिन चीजों से दिल दूर भागता हो और वो हुजूर ने पसंद किया हो तो समझ लेना कि दिल के अंदर कोई ना कोई निफाक की बीमारी जरूर है। इसीलिए किसी ने बातों बातों में दस्तरखान पर कह दिया कि मैं कद्दू को पसंद नहीं करता, लौकी को। फारूक आजम ने तलवार उठाई और मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तूने उसको नापसंद किया जिसको मेरे महबूब ने पसंद किया। बात सब्जी की नहीं है, बात सब्जी की नहीं है, बात सब्जी की नहीं है, बात महबूब की पसंद की है। अब बताएं अगर सब्जी महबूब की पसंद हो जाए, उसको कोई नापसंद करे तो फारूक आजम उसकी गर्दन उड़ाने की बात करें। और हुजूर ने जिस अमल को पसंद कर लिया और उसको इबादत का दर्जा दे दिया, अब उस पर कोई अमल ना करे, उसको कोई नापसंद करे, माज अल्लाह, तो उसके दिल की कैसी बीमारी होगी। तो ये चीजें लोगों के दिमाग में कि हम मुरीद इसलिए नहीं होते कि दाढ़ी रखना पड़ेगी। मेरे अजीज, तू मुरीद नहीं भी होगा तो तू मुरीद हो चुका है, तू मुरीद हो चुका है। और तू किसका मुरीद हुआ है? इमामुल अंबिया का, सैयदुल अंबिया, हमारे मुर्शिद है हुजूर। और हुजूर का मुर्शिद, हुजूर का नायब, हुजूर का नायब हमारा मुर्शिद, जो भी आपका मुर्शिद हो, पीर।